पति ने भगवान कृष्ण को याद किया है भक्तों, जिस वाक्य गोद से जो है पांच पांच पत्र गए हैं, अगर किसी वाक्य चार पत्र होते, एक अगर कई बार के लिए चला जाता है तो माँ समझो जब तक अपने पुत्र को दस बार नहीं पूछ लेती तब तक माँ जो है घर में भोजन नहीं करती। और द्रौपदी को तो आज ऐसा है कि पांच पांच पुत्र इस दुनिया को छोड़ करके गए, उस माँ के दिल से पूछो क्या हाल है। द्रौपदी अपने दिल को धीर लाती है लेकिन धीर नहीं आती है। कहते हैं द्रौपदी ने कभी अपने पांडवों पर सहारा नहीं चाहा। द्रौपदी ने सहारा चाहा तो अपने पुत्रों पर चाहा कि मेरे पुत्र जो है ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बन करके रहेंगे, जीवन का सहारा बन करके ये रहेंगे। उस माँ के पांच पांच पुत्र छोड़ करके गए हैं। मैया बोले सब पर पड़ी बिलख रही है। आज द्रौपदी रो रो करके अपने पुत्रों को याद करती है। अरे लख बेटा की लाश माथे गई आ सिरे टकराए, छोड़ गए तेरी बिलकती है मैया लाला। द्रौपदी कहती है मेरा कोई नहीं है सहारा, मेरे पुत्रों के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। द्रौपदी कौन से पुत्र को उठा करके गोद में रखे, एक हो तो से रखे, दो हो तो रखे। द्रौपदी के पांच पांच पुत्र गए। अरे लख बेटा की लाश मात गई या सिर टकराई, अरे ओ बेटा मोई छोड़ गए तेरी मिलकी रही पांच पत्रों पर पड़ी पड़ी रो रही थी। बोले जीवन के सहारा आप थे। भगवान कृष्ण को जवाब दिया है कृष्ण ने जाकर के रथ को तैयार किया है, अर्जुन को लिया है और द्रोणी को पकड़ने के लिए चले हैं। जैसे ही द्रोणी को पकड़ करके लाए हैं, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया है, जवाब दिया है कहिए द्रौपदी बहन इसका क्या किया जाए। कह तो इसके टुकड़े टुकड़े सारे तनके कर डाले और कहो तो इसके तन की खाल को किसे क्या कर डाले। लेकिन द्रौपदी कहती है भैया मेरे पांच पुत्र गए हैं, अगर एक भी पुत्र जीवित हो जाए तो आप इसे अभी मार दीजिए,
मेरे तो पांच हो पुत्र छोड़ करके चले गए, और अगर ऋषि भी मार दोगे तो अगर मेरे भी पुत्र जीवित नहीं आएंगे, और क्यों किसी की आत्महत्या कर दोगे। द्रौपदी जो है धन्य है अबला, कहती है भैया मैं इसके प्राणों की भीख मांग रहे हैं, इसके प्राणों की भीख हमारी झोली में आप डाल दीजिए, कोई बात नहीं है, अगर आप इसे मार दीजिए लेकिन मेरे पांच गए एक भी मेरा वापस आ जाए तो आप इसे भी तुरंत मार दीजिए, मैं आपसे ये नहीं कहते इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने समझाया है कि भैया मैं इसके प्राणों की भीख मांग रही है, मेरी झोली में इसके प्राणों की भीख डाल दो। आज जो है कृष्ण ने उस द्रौपदी के कहने पर और अश्वत्थामा को जब छोड़ दिया है, इधर जो है अश्वत्थामा को जब छोड़ दिया है, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। महाभारत के युद्ध में बताया गया है जो महाराज यमवन्नु मारे गए थे, इनकी पत्नी थी, इसका नाम था उत्तरा, और उत्तरा जो थी ये गर्भ धारण करे हुए थे, उत्तरा गर्भ धारण करे हुए थे। जिस समय भक्तों उस द्रोणी को छोड़ दिया है, उसने दो है एक ब्रह्मचीर था, उसे छोड़ दिया है जाकर के जिन माताओं को बताया है कि जो भी माता ये गर्भ धारण करती है उनके जाकर के अंदर ही अंदर गर्भ को जलाने लगा है। मैया उत्तरा गर्भ धारण किए हुए थे, द्रोड़ी के कहने से उस ब्रह्मचीर ने जाकर के उस गर्भ को खंडित किया है। उत्तरा चिल्ला करके भागी है भगवान कृष्ण के पास में कि हे बाबा मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, महाभारत का युद्ध हुआ, हमारे पति छोड़ करके चले गए हैं, मुझे कोई गम नहीं है, अगर वो छोड़ करके चले गए हैं तो कोई बात नहीं है, और उनकी ही ये मेरे पास में यो निशानी है, इसके आप रक्षा कीजिए, क्योंकि ये द्रोड़ी जब द्रौपदी ने इसे छुड़वा दिया है, धन्य है द्रौपदी जैसी अबला, इस संसार में चर्चा चलती रहेगी। आज ये है अबलाओं को फिर से सताने लगा है। भक्तों उत्तरा ने जाकर के कृष्ण को बताया है कि मामा प्राणों की रक्षा कीजिए है, इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है भगवान कन्हैया ने जो है और अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए हैं, उस जले हुए गर्भ में फिर से प्राणों को डाला, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए हैं, मड़ी निकाल करके दुर्योधन को जा करके दिए है, और जले हुए गर्भ में फिर से प्राणों को डाला, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है महाराज, तो नौ मास बीतने के बाद में मैया उत्तरा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। सुंदर से पुत्र को जब जन्म दिया है, नामकरण हुआ, उनका नाम पड़ा है महाराज परीक्षित। मैया उत्तरा के जो गर्भ से बालक ने जन्म लिया उसका नाम महाराज परीक्षित पड़ा है। प्रेम से सभी भक्त बोलेंगे, बोले परीक्षित महाराज की, दुर्गे मैया की, सच्चे दरबार की। सभी भक्त इस प्रकार से जो है महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, मैया उत्तरा के आंगन में बधाई बज रही है। तमाम दासियों ने जाकर के, तमाम सखियों ने जाकर के मैया